दिन ब दिन बड़ी बड़ी चोरी की वारदातें सामने आती हैं और इसमें बदमाश नई नई तरीकों से, नई नई योजनाबद्ध तरीकों से चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। और ऐसा ही एक मामला ग्वालियर क्राइम ब्रांच के सामने आया है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना के आधार पर एक बदमाश को गिरफ्तार किया है जो चोरी के मोबाइलों को OLX पर बेच देता था। आपको बता दें कि ये बदमाश चोरी के मोबाइल का EMI नंबर बदलकर इन्हें OLX पर बेच देता था और मुखबिर की सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति OLX पर चोरी का मोबाइल बेचता है, दिल्ली से लेके आता है। उस शानदार पर मुखबिर घटना को उन्हें रिपोर्ट कर और रेड की, तो एक कल्पित सन ऑफ विपिन महेश्वरी को हमने गिरफ्तार किया। उसके पास से शुरू में 7 मोबाइल मिले, क्योंकि रसीद उससे मांगी, रसीद नहीं दी। उसने बताया चोरी का, उन्हें बताया उसने, उससे पूछा गया कहाँ से, बोले दिल्ली से हम लेके आते हैं। और दिल्ली से लेकर आते हैं, उसके बाद लॉक वगैरह उसका निकाल के EMI चेंज करके OLX पर भेज देते हैं। इस आधार पर फिर और पूछताछ की सकते, पूछताछ पर 17 मोबाइल उसके घर से और बरामद किए। ऐसे कुल 24 मोबाइल अलग कंपनी ओप्पो वगैरह IM वगैरह कंपनी के जब्त किए। ऐसे कंटिन्यू रहता था कि जो मार्केट में कीमत है 10,000 रुपये, तो 7,000 रुपये तक का मोबाइल OLX पर ले लेते थे और उसको लोग खरीद लेते थे। तो ये फर्जी बिल तैयार करता था OLX, जब OLX पर जाता था तो फर्जी बिल तैयार करके उसको, ये रहने वाला है ग्वालियर का ही रहने वाला है, इसका नाम कल्पित सन विपिन महेश्वरी है और ये लोहा मंडी का रहने वाला है। नहीं, पहले वो अपने दिखवा रहे हैं, अभी तक अपने ग्वालियर जिले में नहीं है, अन्य कहीं किसी जिले में होगा तो संबंध हमें। और आपको बता दें कि इस आरोपी को धार से मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने धर दबोचा है। ये आरोपी काफी योजनाबद्ध तरीके से चोरी के मोबाइल को अंजाम देता था। चोरी के मोबाइलों को वो OLX पर बेच देता था, इसके साथ ही वो मोबाइल का EMI नंबर भी बदल देता था।